पंडित जी, आप अपने शादी में 40 लोग को बुलाए थे, मतलब इनका चॉइस आप कैसे किए? मतलब इनकी पिंकी पॉंग के फादर एडेड डॉग ऐसे किए क्या? कोई लॉटरी वोटरी निकाले क्या? वो जो एकदम सबसे ज्यादा क्लोज है सिर्फ उन्हें बुलाया था। हम खाली इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके शादी के दिन मुंबई शहर में हलवाइयों के यहाँ इतने भटूरे नहीं फूले थे जितने लोगों के मुंह फूले थे। कपू शर्मा, आपने तो देखा होगा क्या आईना। वैसे आपको शादी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सर। हम भी आना चाहते थे लेकिन हमारा वो एक पेपर रेडी नहीं था। कौन सा? वो शादी का इनविटेशन पेपर। नहीं तो आई वुड हैव ट्राइड टू कम, पर चले कोई बात नहीं। सर ये रखिए। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कोई ऐसा गिफ्ट विफ्ट नहीं है। आपके शादी में जो हमने पनीर सप्लाई किया था ना, उसका बिल है। तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है? पैसे नहीं दिए क्या? तूने कब इनकी शादी में पनीर सप्लाई किया? क्या प्रूफ है इनके पास? क्या प्रूफ है कि हमने पनीर नहीं सप्लाई किया इनकी शादी में? ये क्यों प्रूफ देंगे? अरे पांच पांच रिसेप्शन दे सकते हैं, प्रूफ नहीं दे सकते क्या? 18 भैंस का पनीर सप्लाई किया था, वो भी इटली तक। सोचिए सर, हाउ फार इट इज। कैसे गए तुम? हम पैदल गए। अबे इटली कितनी दूर है तुझे पता है? पैदल कैसे चला गया तू? कप्पू शर्मा देखिए, एक तो इटली का बात आप तो कीजिए मत। इटली वो जगह है जहाँ पे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग ना शादी करता है। पंजाब में तो कोई भी कर लेता है। इनको शादी में देखे थे, शादी में बैठ के सब पास्ता खा रहे थे इटली का फील लेने के लिए। ऐसा तो आदमी है यार। वैसे रणवीर जी, जी हमने अपने शादी का ना सारा का सारा फोटोज वोटोज देखा, ऐसा जूम कर करके देखा। आपकी वो साली दिखाई नहीं दी? कौन सी? भंसाली। नहीं देखिए सर, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या हमारे जोक में घुस रहे थे तो हमने घुसा दिया। ये पॉइंट पे हमको एक फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा, इसका एंटेना आप सर पे लगाए हुए? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अरे लीजिए, निक जोनस का फोन है। हाँ निकवा। हाँ बच्चा यादव बोल रहा है। अपने बिल के लिए, अपना पेमेंट के लिए फोन किए थे। हाँ वो फोन काट दिया यार। अरे कसम से सर, आपको बता रहे हैं, ये निक जोनस प्रियंका के शादी में निक जोनस सामने से हमसे कहे थे कि यार हमारे यहाँ जो गाजर का हलवा बनेगा ना, उसमें मावा तुम डालोगे। हम गए यार, हमने मावा डाला। हमसे कहते हैं कि मावा बहुत काला है। हमने कहा मावा काला नहीं है यार, तुम बहुत गोरे हो। इसलिए मावा काला लग रहा है। लेकिन सिद्धू जी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा पनीर जैसा मिल्की व्हाइट लड़का लाइफ में नहीं देखा यार। बच्चा इस साल सारी शादियों का हम तुझे मिला। हाँ सर, विराट अनुष्का के शादी में भी हमने ही पनीर सप्लाई किया था। अरे जब हम अपना पेमेंट लेने गए, विराट स्टंप निकाल के हमारे पीछे भागने लगे यार। बोले गेट आउट। हमको लगा यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, अगर आउट कर रहा है तो शायद हम आउट ही होंगे। चले गए। जो इन सब शादियों से बड़ी शादी जो पंजाब में हुई, बहुत बड़ी, इनका शादी का बात कर रहे हैं? हाँ, तो वहां कुछ पनीर वनीर की पेमेंट मिली कि नहीं मिली? 24 रुपया प्लेट में कौन पनीर खाता है यार। चांस ही नहीं है, चांस नहीं है। तो दाल में भी इतना पानी मिला के चलाए हैं, क्या बताएं आपको। चलो मैनेज हो गया किसी तरह, लड़का अच्छा है। आपके पनीर में इतना क्या है जो सब लोग यहाँ वहाँ मंगवा के खा रहे हैं, आपके भैंस की पनीर? अरे यार, रॉयल फैमिली ने हमसे बात किया आज। सर मतलब देखिए, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारे पनीर में इतना इंटरेस्ट लिया है। सो इट इज लाइक दिस दैट हम करीब 7 अलग अलग कलर का पनीर बनाते हैं। ये एक ही कलर का पनीर बनाता है सारा? सफेद। ऐसे संडे को बनाता है, सफेद रहता है, मंडे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीला होने लगता है, फिर ट्यूजडे को थोड़ा और गाढ़ा पीला होने लगता है,
फिर बुधवार को काई जमने लगती है, थोड़ा थोड़ा हरा होने लगता है और धीरे धीरे सैटरडे तक आते थे काला हो जाता है। देखिए दुनिया वालों, दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे थे कि एक साल तक कपिल शर्मा कहाँ पे गायब थे। वो अपने घर में बैठ के हमारे पनीर को रंग बदलते हुए देख रहे कितना फालतू टाइम है यार ये आदमी के पास। ये पनीर रंग बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है।